नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के प्रमुख समाचारों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि पहुंचे। अपने आगमन पर आज उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की और अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिए। सीएम नीतीश ने अपनी एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत आज बिहार के पहले डिजिटल पंचायत सरकार भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसकी शुरुआत उन्होंने हरसिद्धि के सोनबरसा पंचायत से की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में उन्होंने सपना देखा था कि बिहार के हर पंचायत सरकार भवन को डिजिटल बनाया जाए ताकि सूबे की जनता को तमाम सुविधाएं पंचायत सरकार भवन से ही मिल सके। पंचायत सरकार भवन के उद्घाटन के बाद सीएम ने शिक्षा, ICDS, कृषि सहित अन्य विभाग के लगे स्टॉल का भी निरीक्षण किया। एक दिवसीय दौरे पर हरसिद्धि पहुंचे मुख्यमंत्री स्थानीय महावीर रामेश्वर इंटर कॉलेज में एक सभा को भी संबोधित किए तथा उन्होंने एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षकों ने बिहार के मुखिया का भव्य स्वागत किया। सीएम नीतीश कुमार ने आज इलाके के मेघावी छात्रों को पुरस्कार भी दिया। इस अवसर पर उन्होंने महावीर रामेश्वर इंटर कॉलेज एवं पंचायत सरकार भवन में पौधा भी लगाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत कई लाभुकों को अनुदानित वाहनों की चाबी भी सौंपी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह आज मोतिहारी के छतौनी स्थित एक होटल में प्रेस से वार्ता किए। बेतिया दौरे पर निकले रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीतीश सरकार के साथ केंद्र सरकार पर भी जमकर कटाक्ष किए। चूंकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के जुमलेबाजी को जनता जान गई, जनता अब दोबारे धोखा नहीं खा सकती। एक बार धोखा के बाद जनता सावधान सजग हो चुकी। एसटीवी न्यूज द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में मोतिहारी से महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा पूछे जाने पर रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा, लेकिन अब तक जो मोतिहारी की सीट है यहां से लोकसभा कैंडिडेट का कोई चेहरा उभर कर सामने नहीं आया। कुछ है इसके बारे में जानकारी आपके पास? कौन लड़ेंगे? हमारा है महागठबंधन, तो सब पार्टी वाले बैठेंगे तय करेंगे कहाँ से कौन उम्मीदवार फिट हो सकता, कैसे जीत हो जाए, भाजपा की पराजय कैसे हो, ये हम लोग का सब कुछ का भुला करके हम लोग कैसे भाजपा को पराजित किया जाए वही उपाय ढूंढ रहे। इसलिए अभी नाम कहना ठीक नहीं है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने नेपाल द्वारा भारतीय रुपया 200, 500 और 2000 के नोट बंद किए जाने के सवाल पर कहा, अपने इकोनॉमी की बात करी, नेपाल जैसे छोटे से राष्ट्र में 200, 500 और 2000 के नोट बैन नोट के खत्म कर दिया, इसको किस रूप में देख रहे हैं? देख रहे हैं इनकी विफलता, इनकी विदेश नीति और आर्थिक नीति की विफलता के चलते नेपाल में हमारा नोट अब नहीं चलेगा। ताइक्वांडो प्रशिक्षण केंद्र मोतिहारी का आज 10वीं वार्षिकोत्सव मनाया गया। आज के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कमिश्नर तिरहुत प्रमंडल नर्मदेश्वर लाल शामिल हुए। ट्रिपल पंच, ताइक्वांडो। इस अवसर पर प्रशिक्षण लेने वाले 200 बच्चों में से 12 को ब्लैक बेल्ट बांधकर सम्मानित किया गया। मौके पर बतौर विशिष्ट अतिथि सीनियर डिप्टी कलेक्टर महमूद आलम, जिला खेल पदाधिकारी राजेंद्र कुमार, ताइक्वांडो जिला अध्यक्ष शिवाजी, मुख्य कोच जाहिद हुसैन और सद्दाम हुसैन भी मौजूद थे। पहाड़पुर थाना क्षेत्र के लखनीपुर गांव में 2 युवकों के सड़क दुर्घटना में मौत होने की खबर है। प्राप्त सूचना के मुताबिक दोनों युवक किसी काम से बेतिया जा रहे थे। इसी बीच पश्चिमी चंपारण के जगदीशपुर चौक के पास ट्रक से साइड लेने के क्रम में दुर्घटना का शिकार हो गए। दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत होने की खबर है। उधर आज बेतिया रोड में सिंघिया गुमटी के पास एक किशोर के टैंकर की चपेट में आने से मौत होने की खबर है। प्राप्त सूचना के अनुसार घटना से गुस्साए लोगों ने सिंघिया गुमटी के पास NH-28 को जाम कर दिया है। आज के समाचारों में बस इतना ही। पूर्वी चंपारण से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसटीवी न्यूज। नमस्कार।